बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस आया। दुकान में सांप की दिलचस्पी की कोई चीज ना थी। वो थोड़ी देर दुकान में रेंगता रहा। अचानक उसका जिस्म वहां पड़ी एक आरी से टकरा कर मूली सा जख्मी हो गया। सांप ने घबराहट कर पलट कर वार किया और पूरी कुव्वत से आरी पर डंग मारी। आरी पर डंग मारते ही सांप के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। सांप ने अपनी सोच के मुताबिक हमला करना शुरू किया। सुबह दुकानदार ने जब दुकान खोली तो देखा एक सांप आरी के गिर्द लिपटा हुआ मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। सांप गश्ता रात किसी और वजह से नहीं माज अपनी तैश और गुस्से की भीत चढ़ गया था। बाज़ोकात हम भी गुस्से में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि हमने खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बाज़ोकात हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ कामों को और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर अमल का एक रद्द अमल दिखाएं। हमारे कुछ रद्द अमल हमें माज नुकसान ही नहीं देंगे, बल्कि हो सकता है हमारी जान भी ले लें। सबसे बड़ी कुव्वत कुव्वत बर्दाश्त है। इंसान में बर्दाश्त का मादा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कामयाब होगा।